बिग बॉस सीजन 17 फेम अनुराग डोभाल शो को छोड़ने के बाद भी लगातार सुर्खियों में हैं। शो के दौरान से ही मुनव्वर और अनुराग की कुछ खास नहीं बनी। दोनों ने बिग बॉस के सीजन 17 में हिस्सा लिया था, वही वो दोनों बिग बॉस के घर के अंदर लड़ते रहते, उनके फैंस सोशल मीडिया पर भिड़ते रहते। बिग बॉस सीजन 17 खत्म हो गया, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुनव्वर के फैंस अब भी अनुराग को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहते हैं। इसी बीच अनुराग का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिग बॉस सीजन 17 के वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव अनुराग को सपोर्ट कर रहे हैं, वही बिग बॉस ओटीटी 1 के विनर एमसी स्टैन मुनव्वर के लिए वोट की अपील कर रहे थे। ऐसे में जब बीते दिन मुनव्वर और एल्विश के साथ में क्रिकेट खेलते हुए एक तस्वीर सामने आई तो मुनव्वर के फैंस अनुराग को ट्रोल करने लगे। मुनव्वर और एल्विश की तस्वीर शेयर करते हुए अनुराग की खिल्ली उड़ाने लगे। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर रिएक्ट करते हुए अनुराग ने मुनव्वर को एक चैलेंज दे दिया। अनुराग ने वीडियो जारी कर कहा, ट्विटर पर बहुत सारे लोग मुझे मुनव्वर की स्टोरी पर टैग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर पर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं। मैं सीधे तुझे टैग करके स्टोरी डाल रहा हूं मुनव्वर। अगर दम है ना तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना बंद कर, ऑनलाइन ट्रोल करना छोड़ दे। मैं तुझे 1-on-1 बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। अगर सच में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर और फेक ट्रोलिंग बंद कर और वहाँ पर आ, वहाँ बताता हूँ कि तुझे सिस्टम क्या होता है। बता दें कि एक वक्त पर एल्विश यादव और अनुराग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ISPL साल 2024 के दौरान मुनव्वर और एल्विश साथ दिखाई दिए। उनके साथ में हंसते हुए तस्वीर भी वायरल हुई, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी के फैंस ने अनुराग की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज अनुराग डोभाल ने दुनिया के सामने मुनव्वर फारूकी को ओपन चैलेंज कर दिया। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।